शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गाड़ी के आगे कोई चलेगा करो, संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, भाजपा वाले हाथ में आओ, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, भाजपा वाले शर्म करो, राजतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, अरे भाजपा वाला शर्म करो, दशरथ नहीं तो डूब मरो, अरे भाजपा वाला शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। जिन जिन साथियों ने भारत माता की संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, अरे बात होगा, अरे होश में तुमको आगी नहीं चलेगी, संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, डूब मरो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाजपा वालों शर्म करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चढ़ जाओ, भाजपा वालों होश में आओ, भाजपा वालों होश में आओ, गाड़ी का भैया भाई, गाड़ी को स्टॉप, बाबा साहब थोड़ा टेढ़ी करके, हमने देखा राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। बैठ जाओ सारे लोग, जहां खड़े वहां बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ प्लीज, थोड़ा पीछे पीछे होके बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, पीछे वाले भी एक सांस में बोलेंगे भारत माता की, बैठ जाओ, भारत माता की जय बोल के बैठ जाओ। जो बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा है, सबसे पहली बात तो हम उसको उजागर करना चाहते हैं, हम लोगों को, आवाम को, भारत देश को ये बताना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या करके हम भी चाहते तो उस दिन मेयर अपना बना सकते थे। इन 10 जो गलत मनोनीत पार्षद थे, इनको वोट डलवा के भी हम अपना मेयर बना सकते थे, ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन हम ऐसी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसमें लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई जाए, और भाजपा हमेशा ऐसी सरकारें बनाती आई है जिसमें लोकतंत्र की हत्या करके सरकारें बनाई जाती हैं। सिर्फ ये फर्क है, और इस फर्क को हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं।
संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। बताना शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बताना शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। लताना शाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र में आओ, होश में आओ। भाजपा वालों शर्म करो, चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। शर्म करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा वालों होश में आओ, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। अरे एलजी के दम पे गुंडा, एलजी के दम पे गुंडा गर्दी, देखिए जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की, इस देश की संसदीय परंपरा की जो हत्या करने की कोशिश कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से परेशान होकर आम आदमी पार्टी को अपना मैंडेट दिया। दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने, लेकिन एलजी साहब चोर दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी हाथ में सत्ता दे जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है। पहली बात, उन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति करी, वो नियुक्ति अवैध थी। उन्होंने हवाला दिया कि ये जो 10 लोग हैं इनके अनुभव है एमसीडी का। क्या अनुभव है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई जिलाध्यक्ष है, कोई ट्रेड विंग का अध्यक्ष है, कोई किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है, तो कैसे अनुभव है? तो एलजी साहब, इसका मतलब यह है कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का मेयर बन जाए, और वो मेयर चोर दरवाजे से बन जाए। एक बात बताइए, संसदन में उस दिन एल्डरमैन की पहले शपथ कराया गया, हमने उसका विरोध किया। आज भी एलजी साहब ये नहीं बता रहे हैं कि क्या वो 10 व्यक्ति वोट करेगा या वोट नहीं करेगा। अब एलजी साहब पे हमें भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने एल्डरमैन की नियुक्ति अवैध तरीके से किया, जो पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति कराया वो सदन के परंपरा जो था उसके खिलाफ किया। अनुभवी व्यक्ति को होना चाहिए था, उन्होंने किसी और व्यक्ति को जो बीजेपी काउंसलर था उसको बना दिया। एल्डरमैन की शपथ आज तक नहीं हुई, पहले निर्वाचन शपथ होती थी, एल्डरमैन शपथ करा दिया। तो अब हम उन पर भरोसा नहीं है। एलजी साहब ये क्लियर करें कि डीएमसी एक्ट में जो प्रोविजन है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करेगा, क्या उससे वोट कराएंगे या नहीं कराएंगे, पहले क्लियर करें और तब हाउस कॉन्स्टिट्यूट हो। दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर के लिए वोट किया था, वो उसको मेयर मिले। एलजी साहब की जिम्मेदारी व्यवस्था करें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एलजी पद की अपनी गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी एजेंट की तरह काम कर रहे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं, अगर पद की थोड़ी सी भी गरिमा है तो जो मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है उस मैंडेट को अपमान ना करें। एलजी कदम पे तानाशाही, एलजी कदम पे गुंडागर्दी, एलजी सक्सेना मुर्दाबाद, एलजी सक्सेना मुर्दाबाद। जनता पार्टी के अमित शाह जी से बात करने के लिए आए।
थे, पर आप सब ने देखा कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कितना डरती है। 1 किलोमीटर पहले किला बना दिया किला, और बैरिकेडिंग के पीछे बैठकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हत्या कर रही है। साथियों, पिछले 15 साल से दिल्ली के एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 15 साल बाद दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से तंग आकर दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से दिल्ली को लूट रही थी, उसके पेट में दर्द होने लगा और एलजी के माध्यम से चोर दरवाजे से फिर से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके, संविधान की धज्जियों को फाड़ के, संविधान को ताक पर रख के एलजी साहब दिल्ली के अंदर शासन चलाना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। हम आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल के सिपाही है, हम आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं। हम अपनी जान दे देंगे, पर हिंदुस्तान के मां भारती के ऊपर आने वाली आज और संविधान के ऊपर आने वाला आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आपके डर से, आपके हाथ से भारतीय जनता पार्टी भीगी बिल्ली की तरह इस किले नुमा महल में बैठी है और 1 किलोमीटर पहले पुलिस लगाकर हम सबको रोकने का प्रयास कर रही है। पर आज हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ये पुलिस, ये तानाशाही, ये गुंडई कांग्रेस की भी नहीं चली थी। आज नाम लेने वाला कोई नहीं तो तुम किस खेत की मूली हो। हमारे बीच में मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस मौके पर अपने दो शब्द कहें। डॉक्टर शैली ओबराय, जोरदार तालियों। यहाँ पर आए हुए सभी विधायक और पार्षद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सब आए और हम सब ने दिखा दिया एलजी साहब को कि हम सब एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 6 जनवरी को सदन में हुआ, जो पीठासीन अधिकारी चुना गया वो गैर कानूनी तरीके से चुना गया, और उसके बाद जो 10 मनोनीत पार्षद भी चुने गए वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुने गए, और उस दिन वहाँ पर कोशिश की गई कि जो 10 मनोनीत पार्षद है उनको पहले शपथ दिलवाई जाए, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमेशा से इलेक्टेड काउंसलर्स जो दिल्ली द्वारा चुने गए पार्षद हैं वोटिंग के माध्यम से, हमेशा से उन्हीं की शपथ पहले रही है। तो उस दिन एक साजिश रची गई कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग राइट दी जाए, जो संविधान के खिलाफ है और जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के खिलाफ है। उस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग राइट, वोटिंग के अधिकार कभी नहीं दिए गए। तो हम सब जब जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जब जब संविधान की हत्या की जाएगी, तो तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम ये एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संविधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान की रक्षा करना उनका पहला धर्म है, संविधान का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब अपने इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक एलजी साहब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। साथियों, जितने भी भाई बहन आज सुबह सुबह कोहरे में इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उन सब लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने आज समय निकाला, इतनी ठंड में आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। बार बार सवाल उठ रहा है कि बेईमानी कौन कर रहा है। आपने बचपन में क्रिकेट का मैच जरूर खेला होगा, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं,
और जब मैच चल रहा होता है तो एक जो नालायक बच्चा होता है ओवर में छह बॉल हो गई तो भी कहता नहीं एक रह गई अभी कौन सी पता नहीं करता है सुनो हटो और उससे कहो कि नहीं ये नालायकी नहीं चलेगी कहेगा बैठ मेरा मैं बैठ लेके जा रहा हूँ देखा मैं नहीं देखा और कह रहा नहीं किल्ली भी मेरी है बैट भी मेरा है एलजी भी मेरा है मैं लेके जा रहा हूँ तो ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है क्योंकि एलजी साहब जिनको इस मैच का एम्पायर होना था जिनको ईमानदारी से न्यूट्रल रहना था वो बेईमान टीम के साथ जाकर मिल गए मिले या नहीं मिले मिले अब एलजी साहब एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे बैठे हैं दिल्ली में कूड़े का पहाड़ था और एलजी साहब जिस पहाड़ पे बैठे हुए नैतिकता का पहाड़ इतने ऊंचे नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं तुमने ये गलत किया तुमने ये गलत किया तुमने ये गलत किया भाई बैठ जाओ यार और एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन बनाए वो भाजपा के कार्यकर्ता बनाए इसका मतलब एलजी साहब को इतने बड़े एम्पायर नहीं है जो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के लोग चिट्ठियां लिखते हैं एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोगों के साथ बैठ के रिश्ते बना रहे हैं एलजी साहब के पास इतना समय है कि पूरी की पूरा गणित लगा रहे हैं अच्छा कौन से जोन के अंदर बीजेपी को जरूरत है उसी जोन में मैं एल्डरमैन भेज देता हूं भाई एक बात बताओ 12 जोन है 10 आदमी भेज देते एक एक जोन से एक भेज देते मगर नहीं एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल के लोगों के साथ बैठ के मीटिंगे कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा नरेला में 4 दे देते हैं 4 में तुम्हारा ठीक हो जाएगा अच्छा वहां पे सिविल लाइन्स पे वहां 4 दे देते वहां तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा अब सेंट्रल में क्या करेंगे कह रहे काम करते सेंट्रल से 2 दे देंगे मगर सर 2 से तो बराबर हो जाएंगे कांग्रेस और मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो सेंट्रल में बराबर हो गए फिर कैसे काम चलेगा जी साहब ऐसा कर रहे हैं उसमें चिंता क्या है कांग्रेस की एक पार्षद है उसको आज कमेटी में ले लेते हैं उसकी वोट भी दिलवा देंगे तुम्हें तो एलजी साहब इस लेवल पे सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेयरमैन बन जाए सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं क्या डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं उस तक में एलजी साहब शामिल है सोचिए ये पद इतना बड़ा संवैधानिक पद को कहां गिरा के लेके आए हमारे एलजी साहब ये स्टैंडर्ड बचाया हमारा अब आज जो है कई सारे लोगों को कह रखा है कि भाई क्या आम आदमी पार्टी डर गई आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही इसका मतलब आम आदमी पार्टी डर गई अब ये क्या बात हुई बेईमानी बीजेपी कर रही है हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम साथी हैं तो हम बहुत वीर हैं और हम उनकी बेईमानी पकड़ ले हाथ करके तो कह रहे अरे तुम डर गए ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी कि भाई बेईमानी चलने दो आंख पे पट्टी बांध लो तो तुम वीर हो और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए ये वो वाली बात हो गई जैसे क्रिकेट के मैच में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है पाकिस्तान के 11 प्लेयर आए इंडिया की टीम ने 11 के 11 आउट कर दिए सारे आउट हो गए भाई अब घर जाओ कह रहे नहीं अब 11 और खेलेंगे हमारे तो खेलेंगे कह रहे नहीं मगर तुम डर गए मतलब हम इनके 22 प्लेयर खिलाए वरना हम डर गए तो ये 22 प्लेयर आउट हो जाएंगे तो 11 और जाएंगे कहेंगे नहीं अब हमारे 33 खेलेंगे कहेंगे वरना तुम डर गए मतलब हम इनकी सरकार बनवा दें और फिर हम साहसी कहलाएंगे और अगर इनकी बेईमानी हम पकड़ लें तो कहेंगे डर गए तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं ये छोटी लड़ाई नहीं है बहुत बड़ी लड़ाई है और लड़ाई है एमसीडी पे कब्जा करने की है भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है एमसीडी पे कब्जा करना क्योंकि एमसीडी के अंदर मोटी कमाई होती है भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग होती है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का जो लालच है जो मोह है वो मोह नहीं छोड़ पा रही दिल्ली के लोगों ने हरा दिया मगर मोह कम नहीं हो रहा कि किसी ना किसी तरीके से कोई तो तिकड़म लगाओ कोई तो बेईमानी करो मतलब ये तो वो बात हो गई कि क्रिकेट के अंदर एक टीम जीत गई एक टीम हार गई और हारी हुई टीम कह रही है मगर देख लेना वर्ल्ड कप तो हम ही ले जाएंगे कोई बाबा वो तो वैसे ही चुना लो अपने घर में बनवा लो वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ अब कह रहे शपथ नहीं कराई
अरे एलजी साहब अपने घर में करा दो इन सबको शपथ, इन सबको ना अपने घर में कहो ये मेयर है, ये स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, ये डिप्टी मेयर है, सब अपने घर में बना के चला लो अपनी, क्या जरूरत है फिर नौटंकी करने की। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी इसलिए की जा रही है, किसी तरीके से इनकी बेईमानी जो है हम चलने दें। मैं आपको बता रहा हूं अगर यहां पे हम चूक गए तो एमसीडी के अंदर ये अपनी सरकार बना लेंगे, आप देखते रह जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं इतने बेईमान एक जगह नहीं, इन्होंने चंडीगढ़ में भी यही किया था, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी यही किया था, इन्होंने कर्नाटक में यही किया था, इन्होंने गोवा में यही किया था। ये बेईमानी के अंदर पीएचडी है लोग, बेईमानी में इनकी पीएचडी है, डॉक्टरी है, हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर शैली ओबरॉय, आपकी डॉक्टरी किसमें है, कॉमर्स में, ये बेचारी कॉमर्स में पीएचडी करके घूम रही है और बेईमानी में पीएचडी वाले शपथ लेने के लिए तैयार बैठे, क्या करें साथ में निशान। अब देखिए सदन के अंदर मेजॉरिटी हमारी, मैंडेट हमारा, मेयर हमारी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, सरकार हमारी बनेगी, तो बेईमानी कौन करेगा? बीजेपी करेगी ना, हम क्यों करेंगे बेईमानी? हम तो बेईमानी वो करेगा जिसको कुछ नहीं मिला, जिसको जनता ने कुछ नहीं दिया, इसलिए बीजेपी बेईमानी करके सरकार बनाना चाहती है, हम उनकी बेईमानी नहीं चलेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था ये लड़ाई छोटी नहीं है, बेईमानी के अंदर पीएचडी है भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर सावधानी हटी ये है तो सावधानी को हटने नहीं देना है और दुर्घटना को घटने नहीं देना है, और आपने थोड़ी सी भी सावधानी हटाई ये सब लोगों की शपथ करा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे ना, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां एक ही चीज मिलती है तारीख, और ये वहाँ पे एमसीडी के अंदर बेशर्मों की तरह बैठ जाएंगे। ये तो जज भी खरीद लेते हैं, अब मुझे नहीं पता है क्या करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मगर कोर्ट पे सिर्फ क्या मिलेगी तारीख। और देखो दिल्ली में भी इन्होंने यही कर रखा है, सरकार हमारी, मैंडेट हमारा, लोग हमारे साथ, मगर जबरदस्ती धक्काशाही चला रहे हैं और हम लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर केस पे केस केस पे केस, तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमारे साथ मैंडेट है और लोगों को बताना है। मैंने पिछली बार भी कहा था सब लोग अपने अपने फेसबुक पे लाइव करो, वीडियो बनाओ, व्हाट्सएप पे वीडियो डालो कि बीजेपी किस तरीके से बेईमानी करके जो है यहाँ पे सरकार बनाना चाहती है। और देखो ये अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए बार बार धरना दे रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं इनको धरना से, इनको संविधान से क्या लेना देना, इनके लोग तो संविधान को रोज गालियां देते, ये तो रोज व्हाट्सएप पे लिखते कि संविधान को बदल देना चाहिए। आज ये संविधान के लिए जो है बाबा साहेब क्या पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को धोखे में नहीं आना, चौकन्ना रहना। और मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग एक बार मुझे सुबह सुबह कह रहे थे कि भाई सुबह सुबह क्यों बुला लिया धरने पे, भाई साहब सुबह सुबह ही आना पड़ेगा ठंड में, जो आदमी ये सोच रहा है कि भाई अपना घर में सो तो फिर 5 साल सोते रह जाओगे, बुलाएंगे नहीं है तो चाहते हैं तुम सो जाओ, ये चाहते हैं कि तुम घर जाओ, घर जाओ सो जाओ, चौकन्ना रहना है। और आदिल भाई जो है आप जोर से नारा लगाएंगे फिर आदिल भाई अपनी बात आपके बीच में रखेंगे, भारत माता की जय। प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासन कर रही है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी की, पर भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से चोर दरवाजे से फिर से एमसीडी पर शासन करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की धज्जियां उड़ाकर एलजी साहब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं एमसीडी में, पर ये वो नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आंदोलन के कोख से निकले हुए हैं। हम अपनी जान दे देंगे पर संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि चुनी हुई सरकारों को अपना काम करने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि चुनी हुई सरकारों को अपना काम करने दीजिए। ये दिल्ली है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हम लोग, हम अपनी जान दे देंगे पर संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। मैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं क्या बोले मैम? देखिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है,
और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पच नहीं रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि वो हमें कांग्रेस ना समझे, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है और दिल्ली के लोगों की जो विशेष है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, दिल्ली का मैंडेट रेस्पेक्ट करना चाहिए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कब्जा करना चाहती है। दिल्ली वालों ने जो मैंडेट दिया है वो आम आदमी पार्टी को दिया है, मेजॉरिटी हमारी है, एमसीडी में सरकार हमारी यानी कि आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। मगर जिस तरीके से एजी साहब ने बेईमानी से प्रोटम मेयर को लगाया, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन लगाया, बेईमानी से अब वो चाहते हैं कि ये जो एल्डरमैन है ये वोट डालें जो कि संविधान के अंदर वर्जित है, डीएमसी एक्ट के अंदर वर्जित है, तो वो हम नहीं होने देंगे। धक्काशाही से, गुंडागर्दी से, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी पे कब्जा हम नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। ये हम कांग्रेस नहीं है जो हम बीजेपी से डर जाएं और हम सरेंडर कर दें। हमारे लोग इनसे लड़ेंगे और अपना हक छीनेंगे। आज बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार कभी कोई आरोप, अब आरोप लगा रही है कि लिकर पॉलिसी के लिए, वकीलों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको लगता है मुद्दे पे मुद्दा बना रहे हैं बस? लेकिन लिकर पॉलिसी तो फ्लॉप हो गया, तीन तीन चार्जशीट हो चुकी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, एक शब्द चार्जशीट में नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो गुब्बारा चुनाव के लिए फुलाया था वो गुब्बारा फुस हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी खिसियाहट निकाल रही है, खिसियानी बिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन नोचे, ये हाल है इनका। कॉन्स्टिट्यूशन में ये यकीन नहीं करते, डीएमसी एक्ट ये मानते नहीं है, एलजी साहब नैतिकता की बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, ये चीज़ एलजी साहब को शोभा नहीं देती। एलजी साहब एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह इस मैच में होने चाहिए थे, मगर जब एम्पायर ही एक तरफ बेईमानियों का साथ देने लगे और खुद बेईमानी में शामिल हो जाए तो ऐसे गेम में आप क्या करेंगे? ऐसी जगह तो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, मीडिया को बताना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि बेईमानी से ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब तक एलजी का स्टेटमेंट नहीं आएगा प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। एलजी साहब से हम पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कि ये जो एल्डरमैन है ये वोट नहीं दे सकते, ये कानून में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों एलजी अब तक चुप बैठे हैं? एक एक ट्वीट एलजी साहब देखते हैं, उसका जवाब जो है अपने ऑफिस से तैयार कराते हैं। अब तक एलजी साहब को समझ में नहीं आया कि पूरा झगड़ा किस चीज का है। पूरा झगड़ा बेईमानी का है, हम भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी नहीं चलते।